खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक संचालित फैक्ट्री का पंजीयन नहीं है, साथ ही पैकेजिंग में भी बड़ी गड़बड़ी दिखी। मानक तिथि बैच नंबर भी नहीं लिखे गए हैं और सफाई को लेकर भी लगातार सवाल उठे। हालांकि खाद्य विभाग टीम ने इलायची दाना के पैकेट को जब्त किया है, इलायची दाना के सैंपल लिए हैं और आगे जांच की जा रही है। ये माँ बम्लेश्वर ट्रस्ट समिति द्वारा इलायची दाना का प्रसाद के रूप में कभी भी उपयोग नहीं किया जाता है और ना ही हमारे द्वारा किसी फैक्ट्री या बाजार से या कोई दुकान से इस इलायची प्रसाद की खरीदी की जाती है। पोल्ट्री फार्म परिसर में ही उस इलायची दाना को क्यों बनाया गया होगा और कितनी दूरी पर वो ये फैक्ट्री जो है वो संचालित की जा रही थी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश हूँ और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर बवाल के बाद देश भर में सवाल उठने लगे कि आखिर जो देश के जो प्रमुख मंदिर है, जो बड़े बड़े मंदिर है, उसमें जो प्रसाद वितरित किया जाता है उसे कहाँ बनाया जाता है, कौन बनाता है, और उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे। देश भर में जहाँ प्रसाद बनता है वहाँ जाँच की गई। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी खाद्य प्रशासन औषधि ने प्रमुख मंदिरों में जाँच करना शुरू कर दिया। एक खबर सामने आई कि छत्तीसगढ़ के विख्यात और प्रसिद्ध मंदिर माँ बम्लेश्वरी मंदिर में जो प्रसाद बेचा जाता है, जो प्रसाद वितरित किया जाता है, उसे पोल्ट्री फॉर्म में बनाया जाता है। ये खबर सामने आने के बाद जो भक्तों के मन में ठेस पहुंची, उसके आस्था में ठेस पहुंची। उसके बाद यहाँ खाद्य सुरक्षा की टीम पहुंची, जिस गाँव में है, राका गाँव में है, इस गाँव में ही वहाँ जो वितरित किया जाने वाला प्रसाद है उसे बनाया जाता था और उस गांव में हम पहुंचे हैं। इस गांव में ये फैक्ट्री है, लगभग मंदिर से 6 किलोमीटर दूरी पर। इवन ट्रेडर्स देख पा रहे होंगे, ये फैक्ट्री है, यहाँ उस मंदिर में बेचे जाने वाले प्रसाद को बनाया जाता था। यहाँ टीम पहुंची गुरुवार को। उसके बाद पहुंचने के बाद कुछ सैंपल टीम ने जब्त किए। जब्त करने के बाद कुछ अनियमितताएं पाई गई। उसके ठीक अगले दिन शुक्रवार यानी कि कल के दिन खाद्य प्रशासन औषधि की टीम पहुंची और यहाँ इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि कई सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे कि पोल्ट्री फार्म परिसर में ही उस इलायची दाना को क्यों बनाया गया होगा और कितनी दूरी पर वो ये फैक्ट्री जो है वो संचालित की जा रही थी। तो हम इस फैक्ट्री में मौजूद हैं और लगभग मंदिर से 6 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि इसे सील कर दिया गया है और फैक्ट्री को क्यों सील कर दिया गया है ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि इसकी गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। और खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक संचालित फैक्ट्री का पंजीयन नहीं है, साथ ही पैकेजिंग में भी बड़ी गड़बड़ी दिखी। मानक तिथि बैच नंबर भी नहीं लिखे गए हैं और सफाई को लेकर भी लगातार सवाल उठे। हालांकि खाद्य विभाग टीम ने इलायची दाना के पैकेट को जब्त किया है, इलायची दाना के सैंपल लिए हैं और आगे जांच की जा रही है। और आपको बता दें कि जो खबर सामने आई है, जो हमको तमाम अखबारों से, मीडिया के माध्यम से मिली है, कि इलायची दाना निर्माण से जुड़ी कोई भी अनुमति या दस्तावेज नहीं मिले हैं। यहाँ निर्माण होने वाली प्रसाद की सप्लाई डोंगरगढ़ के माता बम्लेश्वरी मंदिर प्रसाद में बेचने वाले व्यापारियों को होती थी। आपको बता दें कि पहले गुरुवार को टीम ने छापा मारकर बड़ी मात्रा में पैकेट जब्त किए थे और इस पैकेट में श्री भोग प्रसाद लिखा रहता था और पैकेट में माँ बम्लेश्वरी की फोटो भी थी। आपको बता दें कि कल यानी कि शुक्रवार को फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और ये एवन ट्रेडर्स है। एवन ट्रेडर्स के मालिक का नाम मजहर खान है। उनके मुताबिक उनका कहना है कि ये फैक्ट्री उनकी नहीं है, पोल्ट्री फार्म उनकी नहीं है, ये उनके भाई की है, ये एवन ट्रेडर्स उनकी है और लगातार लगभग उनके दादा परदादा के जमाने के लगभग 20 से 25 साल इस फैक्ट्री को संचालित हो गया है। और इसको लेकर और क्या कुछ अपडेट्स हैं हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री में या आसपास के गांव के लोगों को रोजगार भी मिलता था, ये उनका कहना है, कई लोग यहां काम करने भी आते थे। तो ये फैक्ट्री डोंगरगढ़ मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित राका गांव में है और ये पोल्ट्री फार्म है और ठीक बगल में ही ये फैक्ट्री मौजूद है, पोल्ट्री फार्म के ठीक बगल में, एक ही परिसर में। और कई सारे ये भी सवाल उठे थे कि दोनों की दूरी थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन एकदम अगल बगल में ही ये पोल्ट्री फार्म के बगल में ये संचालित की जाती है। और इस मामले से जुड़ी और भी कुछ अपडेट्स है वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। हम मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्षों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ जो वितरित किया जाने वाला प्रसाद है वो कहाँ से मंगाते हैं, क्या प्रसाद वितरण किया जाता है। इसके अलावा आसपास की दुकानों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। प्रसाद को लेकर लगातार विवादों के बीच हमारे साथ माँ बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट की समिति के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी मौजूद है। लगातार विवाद हो रहा था, ये सवाल उठ रहा था कि क्या पास के गाँव में जो प्रसाद बताया जा रहा, इलायची दाना बनाया जा रहा था, वो क्या मंदिर में वितरण किया जाता है, क्या है इसकी सच्चाई। माँ बम्लेश्वरी देवी की जय। जैसा कि हम बार बार इसका खंडन कर रहे हैं कि माँ बम्लेश्वरी ट्रस्ट समिति द्वारा
इलायची दाना का प्रसाद के रूप में कभी भी उपयोग नहीं किया जाता है और ना ही हमारे द्वारा किसी फैक्ट्री या बाजार से या कोई दुकान से इस इलायची प्रसाद की खरीदी की जाती है और ना ही प्रसाद के रूप में इसका वितरण किया जाता है। मंदिर द्वारा नारियल को बधार कर उसका प्रसाद वितरण किया जाता है और नवरात्र पर्व में जब प्रतिबंधित होता है नारियल का बधारना, उस वक्त मिश्री प्रसाद जो मिश्री होती है उसका पैकेट बनाकर उसका प्रसाद का वितरण मंदिर ट्रस्ट द्वारा भक्तों को किया जाता है। जो आसपास जो ठेले हैं, आसपास जो लगे हैं दुकान, क्या वहाँ उस प्रसाद का वितरण होता है? देखो, जो हमारे नियंत्रण में ये सब दुकानें नहीं है, आउटसाइडर की दुकानें हैं। अब वो बाजार से क्या खरीद रहे हैं और क्या श्रद्धालु लोगों को बेच रहे हैं, मंदिर ट्रस्ट में जो भी उसको लाता है उसको उसको मंदिर में उनको चढ़ा के वापस दे दिया जाता है। हम उसका वितरण नहीं करते क्योंकि हम जो है शुद्धता पे विश्वास रखते हैं और जो शुद्ध चीज़ है वो नारियल से अच्छी चीज़ प्रसाद के रूप में कुछ हो भी नहीं सकती। अच्छा, क्या वितरण किया जाता है और उसे कहाँ से लाया जाता है? ये हमारे द्वारा जो भक्त लोग जो नारियल हमारे यहाँ जो चढ़ाते हैं मंदिर को, अर्पित करते हैं देवी जी को, उन्हीं को बधार कर उससे जो प्राप्त होता है नारियल, उसको टुकड़े टुकड़ों में काट कर उसका वितरण किया जाता है। और मिश्री प्रसाद जो है, जो मिश्री जो होती है दाना, उसको अच्छी क्वालिटी का देख कर हम लोग रायपुर से राजनांदगांव से अच्छे थोक दुकानदार से बुलाते हैं और उसको हमारे यहाँ पैकिंग करके उसको हम वितरित करते हैं। हाओ, कहाँ से मंगाते हैं आप भी? नाथगांव से। और एवन ट्रेडर से नहीं मंगाते? नाथगांव में कहाँ से मंगाते? सपना से। जी, आप नीचे में दुकान लगाते हैं तो ये प्रसाद आप कहाँ से मंगवाते? मार्केट से। मार्केट से। एवन ट्रेडर से मंगवाते हैं? हाँ, गोविंदनाथ से। यस, दुर्गा यहाँ से, दुर्गा अग्रवाल यहाँ से। एवन ट्रेडर से नहीं मंगाते? दुर्गा यहाँ से मंगाते।